लिए और क्या कहना चाहेंगे आप? कहना हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। क्या गलत हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन है, कहाँ का है, कैसे गलत करके गया वो बताइए। और रहने वाला वो राज का है और यहाँ सिवान मोड़ पटेल नगर में रहता था वो। आपकी मुलाकात कैसे हुई? वो गाड़ी चलाता था, सवारी गाड़ी लेके चलता था वो। मैजिक चलती है 19 नंबर, 57-08 नंबर है। उस गाड़ी में हम भी आते थे, ऐसे जानकारी हुई थी हमारे। आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी के काम करते हैं। मजदूरी के काम करने के लिए अब जहाँ मिले वहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो ऐसे आने जाने में जैसे उसको संपर्क हुई थी हमारे, तो ये हम नहीं जानते थे कि वो कहाँ के रहने वाला है, यहाँ कहाँ रहता है। बस वो गाड़ी चलाता है, बस यही हमें पता थी। तो उसके अचानक गाड़ी थी, उसके पल्सर बाइक थी। तो 7 फरवरी के बिंदेगा चौकी वाले ने उसको जब्त कर लिए थे, उसको भी पकड़े थे, रात भर उसको बंद भी रखे थे, सुबह में उसको छोड़े थे। गाड़ी कोर्ट से बोले, कोर्ट से छोड़ाना गाड़ी को। तो गाड़ी छोड़ाने के लिए वो पैसे के लिए मेरे को बोला था कि भाई कुछ पैसे के मेरे को हेल्प कर दे। तो मेरे पास तो था नहीं पैसे, मैं भी किसी से लेकर उसको पैसे दी थी। कितना पैसे दिए? मैंने उसको पहले 10,000 रुपये दी थी। वो बोला कि भाई 7-8 हज़ार रुपये लगेंगे, जो मैं उसको 10,000 रुपये दी थी लगे। 10,000 रुपये लेकर गया, उससे नहीं उसकी बात बनी। फिर मेरे पास में आया, बोला इसे नहीं हो रहा है, और पैसे की व्यवस्था कर भाई, 2 महीने के किसी से ब्याज पे उठवा ले। तो मैं बात करी वहाँ पे, तो ऐसे कोई पैसे देता नहीं है, ऐसे फ्री में कौन देगा पैसे। सामान वहाँ पे मैं, मेरे सामान पाया पायजेब था उसको रख के, और वहाँ से 20,000 रुपये उठाई मैं, जो 20,000 में 18,000 रुपये उसको दी, ले गए गाड़ी छुड़ा लिया। इतना भरोसा क्यों? भरोसा इसलिए था कि मतलब वो यही रहता था। अब उसको ये मतलब पता नहीं था कि उसका खुद का मकान है या किराए से रहता है। अपने को इतना जानकारी नहीं निकाले, अपने बस यही था कि भाई अपना पड़ोस में मालिक है, उनकी गाड़ी चला रहे तो जाएगा कहाँ, क्योंकि अपने से जाएगा पर वहाँ से तो जानकारी आ जाएगी। इस भरोसे में उसको दे दिए थे। फिर तो आपके क्या संबंध रहे उसके साथ में, किस तरीके का? सावन तो ऐसे कुछ भी नहीं थे हमारे उसके साथ, ऐसा अपना ना तो पहले कोई ऐसे बात विचार भी कुछ भी नहीं। बस गाड़ी में बैठ के आते थे, जहाँ उतरते थे वहाँ किराया दिए और अपना गए, बस इतना ही था अपना संबंध, आगे ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, तो मैंने एक दिन उसको बोल दिया कि भाई 2 महीने बीत गए, पैसे दे दे नहीं तो सामान डूब जाएंगे हमारे। बोला 2-4 दिन में पैसे आने वाले हैं, आने दे तो देंगे। 2-4 दिन बाद में क्या, 8-10 दिन बाद में मेरे को फ़ोन किया, बोला घर पे आ जा, पैसे ले जा। तो बोली घर कहाँ है? बोला पटेल नगर में है। मैं चल गई वहाँ फाटक के पास, सिवान फाटक है, वहाँ चली गई। वहाँ जाके फिर उसको बोली फ़ोन करके, तो बोला कि पीछे आ गौशाला के पास में। फिर वहाँ आई तो वहाँ पे एक मकान था, जो नीचे तो दुकान है, ऊपर है कमरा। तो वहाँ पे आई मैं, वहाँ पे वो भी था, 3 लोग और भी थे वहाँ, 4 लोग थे, मतलब चाय नाश्ता अपना कर रहे थे। सुबह के 9:30 बजे की बात थी। तो मैं जाकर उसको बोली कि ला पैसे दे मेरे को। तो कुर्सी लाकर बाहर, जैसे गेट के बाहर में डाल दिया, बोला यहाँ पे बैठ, पैसे लेके आ रहा हूँ। फिर अंदर गया, अंदर से 0.5 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल थम्सम थी, उसको लेकर आया, बोला इसको पीते रहे, आ रहा हूँ पैसे लेके। चल गया लेने के लिए पैसे। मैं तो विश्वास तो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे विश्वास थी जब भी उसको पैसे दिए थे। फिर मैं पीती रही उसको, आधे बोतल तक ख़त्म हो गई कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद में मेरे वो 3 बैठे थे, वो तीनों मेरे को 6-6 नज़र आने लग गए ऐसे। फिर मैं मेरे देखी कि घर से तो सही आई थी, लग रहा है चक्कर आ रही है मेरे को। फिर मैं वो भैया को बोली कि भाई गिलास दे मेरे को। अब वो गिलास पकड़ा रहे मेरे को, गिलास तो पकड़ा रहे, पकड़ रही हूँ इधर। फिर वो उठ के आया मेरे पास, बोला भाभी क्या हो रहा है? बोली मेरे को चक्कर आ रहे हैं।
तो मेरे को पकड़ के ऐसे दीवार में उठा दिए, बोले ऐसे बैठ जाओ, वो आ रहा है अभी। फिर वो दो थे तो बोले कि ये अपना हरकत से बाज नहीं आया, अपना खेल तो खेल दिया मादर चोद, यहाँ से भाग नहीं तो फंस जाएंगे हम। वो दो तो उसी टाइम पे चले गए और एक वहीं बैठा ही रह गया। बोला मैं भी जाऊंगा, वो आ जाएगा जब जाऊंगा, ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वो कब आया ये भी पता नहीं, वो बैठा था जो, ये गया कब ये भी मेरे को पता नहीं। मैं तो बस दीवार में पकड़ के सटाया, बस इतना ही मेरे को थी कि दीवार में से उठा गई। उसके बाद में जब चेत हुई तो शाम के 6:15 बज गई। फिर मैं देखी तो मैं बोली कि उसको बोली कि इतना लेट कैसे हो गए रे, तो बोला तू तो सो रही है, मैं क्या करूँ, मैं तो जगाया भी नहीं, जगी तो मैं क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में डाउट हुई कि अपन तो कोई ऐसी कुछ खा के भी घर से नहीं आए। फिर इतनी गहरी नींद आ गई कि शाम के 6:00 ही बज गई। फिर मेरे को पैसे दिया, वो 10,000 रुपये दिया, बोला इसको ले जा। फिर 10 दिया, फिर 10 दे के बोल रहे कि मेरे को 5 वापसी दे दे, नहीं तो कल परसों में मेरे को ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैं उसको 5 और दे दी, उसको ले जाओ ही, मैं 5 लेके आ गई वापस घर पे। घर आ गई, घर आने के बाद में 3-4 दिन बीत गए। फिर एक दिन मतलब खड़े थे हम रोड पे, तो वो उधर से आते हुए फिर मिल गया मेरे को, तो मैं फिर बैठ गई उसकी गाड़ी पे। गाड़ी पे बैठ गई तो ऐसे गाड़ी जैसे चलाता है, तो आगे वाले ही सीट पे हम बैठे थे, हमारे बगल में एक और लड़का बैठा था, पूरे गाड़ी भरी थी उसकी। लेकर आ रहा है, मैं बोली कि पैसे दिया नहीं, 18,000 रुपये की व्यवस्था कर दे, नहीं तो मेरी पैजेब डूब जाएगी। तो बोला कि आ जाएंगे 2-4 दिन में, टेंशन मत कर। और है ना, मैंने है ना एक पिक्चर बनाया है, इसको देख एक बार, जो मोबाइल अपना चालू करके यार मेरे को दिया, जो मैं वो लड़का बैठा था, मैं तो देखी कि भाई पिक्चर ही होगी कोई वैसी, जो मैं सामने ही ऐसे करके यार जब देखी तो उसमें तो हमारे उसके दोनों की ही वीडियो बना रखा है, बिल्कुल एकदम इतनी बुरी वीडियो बना रखा है कि कोई वो नहीं है। फिर वो मोबाइल तो मैं तो उसी टाइम पे फेंक दी, वैसे ही फेंक दी मोबाइल को, तो चलती गाड़ी में से ही रोड पे फेंक दी, तो सारे फूट फाट गए थे मोबाइल उसके, लेकिन फिर भी उसको सुधरवा लिया। मैंने उसको पूछा भी कैसे क्यों किया, बोला अब तेरी मर्जी है और तू डिसाइड कर लेना पैसे चाहिए कि क्या चाहिए तेरे। फिर मैं घर पे गई, घर पे जाकर भी मैंने किसी को बता नहीं सकी, क्योंकि मेरे को उसको देखने के बाद मेरे खुद ही होश नहीं रही। उसके बाद में फिर तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने के बाद फिर उसके 2-3 दिन के बाद फिर फोन आया, बोला घर पे आ, तो मैं बीमार हूँ अभी नहीं आऊँगी, बोला अभी के अभी आ, नहीं तो ये है ना फोन मोबाइल में के वीडियो तेरे आदमी के पास में भेजूँगा, जो काम करता है ना वहाँ पे भी उसको देखेंगे लोग। जो मैं फिर उठ कर मैं चल गई उसके पास में, गई वहाँ पे, तो वहाँ पे कमरे पे जाने के बाद में मेरे साथ में जो उसको करना था जो किया, करने के बाद में फिर वहीं पे बंद करके शटर वाली थी दुकान थी, जो बाहर से शटर डाउन करके और चला गया। अब अंदर ही थे, मेरे को अंदर ही बंद करके चल गया। अब अंदर में मैं रह गई, अब वो पूरे कबड़खाना अंदर में ऐसे मतलब कचड़ा पट्टी है वो दुकान के, अब अंधेरे में ऐसे बैठे थे, अब अंधेरे में मेरे को पता नहीं ऐसा क्या जानवर उसमें खा गया, मेरी उंगली में खा गया था इसमें, जब मैं फिर उसी में बेहोश पड़ गई थी, मेरे मुंह से सारे गाज वज निकल गए थे। फिर वो आया उधर से तो देखा, तो उसके जानकार को फ़ोन करके उसको बुलाया, बोला इसको पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ खा ली है लग रहा है, तो बोला कि ये कुछ खाई नहीं है, इसको सांप ने खाया है, इसको मंदिर पे ले जा। फिर वो मेरे को मंदिर पे ले गया, वहाँ सिवान फाटक के पास में मंदिर है तेजा जी का, वहाँ ले गया, वहाँ पे ले गया तो महाराज थे वहाँ, वो फिर जोत वोत के सामग्री मंगाए, जोत किए, फिर उनमें वो तेजा महाराज जब आए, जब ये उंगली को मेरे सारे ही पकड़ के खून चूस चूस कर निकाले, वहाँ पूरे मंदिर पे भीड़ लग गई थी। उसको पूछ रहे हैं कि क्या लगती है तेरी, तो बोल रहे हैं कि इसका पति हूँ मैं। अब वहाँ पे सारे लोग यही जान रहे भाई पति पत्नी है दोनों, बोले इसको पकड़ के और घुमाते रहे, इसको आंख बंद होने मत देनी, तो इसकी जहर फैल रही है अंदर। अब मेरे को नींद सी आती, मैं मेरे आँख खुलती नहीं, आँख ही बंद हो जाती मेरे,
तो बोले इसको घुमाते रहे, इसको सोने मत दे। फिर वहाँ के लेडी से थी, वो नीम के पत्ती लवांग ये सारे बांट बांट कर ला ला कर मेरे को पिलाती, भाई इसको पी तेरे को तीखा लग रहा है कि नहीं, मेरे तो कोई असर होती नहीं। जब वो महाराज बोला इसको तो सांप ही खाया है। फिर वहाँ से बोला इसको ले जाके इंजेक्शन लगवा देना बालाजी हॉस्पिटल में। बालाजी हॉस्पिटल पे लेके आया, वहाँ पे डॉक्टर देखा तो मना कर दिया, क्योंकि हाथ में पूरे ऐसे सूजन हो गई थी, पूरे नीला हाथ पड़ गया था, तो मना कर दिया। बोला कोई आपके पति को पता ही नहीं था? मेरे पति यहाँ नहीं थे उस टाइम पे, उनके साइड वहाँ धानिका है, धानिका गांव है। घर तो होगा आपका? हाँ घर तो है। घर पे आपके पति ने आपको ढूंढा नहीं? घर पे वो थे नहीं, जैसे दूर दूर साइड चलाते थे ना, तो वो रोज हाफ डाउन नहीं करते थे। अच्छा, रोज नहीं करते? हाँ रोज हाफ डाउन नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हाफ डाउन करते थे, उनके एक्सीडेंट हुई जब से। आपकी शादी हुई कितना टाइम? मेरे शादी हुए तो हो गई है 9 साल हो गई, 9-10 साल। मेरा एक ही बच्चा, 6 साल का बेटा है मेरा। तो अब जो है क्या स्थिति है आपके उस मामले की? वो तीन दिन तक बंद रखा, वहाँ से तो सारे पूरे सोसाइटी मेरे जान गई ये बातें को, चारों मेर फैल गई, यहाँ तक कि मेरे घर के सब लोगों को भी पता हो गई इस चीज़ के। दूसरी बात, वहाँ से घर आए थोड़ी दिन में पता चला कि बच्चा है पेट में, जो कि आदमी तो था ही नहीं। फिर मैंने उसको बोला तो मेरे को दवाई ला कर दिया, बोला इस दवाई को खा ले। उसके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई पुलिस थाना कुछ किया? करी थी उसके, वो दवा दे कर गया था जमना, दवाई हमने ले लिया, दवाई कोई असर ऐसे हुई नहीं हमारे को। उसके बाद में फिर मेरे को बोला कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, व्यवस्था कर पैसे की। अब पैसे के दौरान में एक ही बार पैसे कहाँ से 1.5 लाख रुपए ला कर देंगे। फिर भी मेरा पति के जब पता चला था तो बोला कि अगर वो वीडियो डिलीट कर रहा है तो पैसे इसको देने में ही फायदा है, नहीं तो अगर फेसबुक पे छोड़ेगा तो अपनी तो इज्जत जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे हम। उसको पैसे हमारे पति के एक्सीडेंट के पैसे क्लेम मिले थे कोर्ट में। जो मैन मैन है ना सब वो बोलते हैं ना, उसको पैसे ले जा कर दिए पर वीडियो डिलीट नहीं किया। आपने इसके खिलाफ वीडियो की बनाई, उसने इस तरीके से धोखाधड़ी से उसकी कोई मुकदमा दर्ज करवाया? रिपोर्ट कराए थे कोर्ट में, उसको थाने में नहीं कराए? थाने वाले नहीं किए थे। क्यों? थाने वाले ने क्या कहा आपसे? वो लिखा पढ़ी कर लिए थे थाने वाले सारे। फिर उसके बाद में या तो वो फाइल आगे नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। रिपोर्ट दर्ज किए तो उसकी कॉपी लेकर गए? नहीं दिए थे। क्यों? कुछ भी नहीं दिए। अच्छा। मैं हालांकि कम से कम 8-10 बार हमारे चौकी पे गई, उसके भाई के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी, उसको भाई के उठा कर लाए थे, उसको पूछताछ किए थे, फिर उसको छोड़ दिए थे। पर रिपोर्ट हमारे सही नहीं बने ये भी। बागरोटा के जो थाने वाले हैं वो बोलते हैं कि पैसे दे रहे तेरे को 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो समझौता क्यों नहीं कर रही? पुलिस वाले बोले हाँ पुलिस किस बात के 5 लाख रुपए दे रहा हूँ? भाई वो अपना गलती जैसे मान रहा है तो समझौता करना चाह रहा है भाई, राजीनामा तो वीडियो तो आपका बना हुआ है तो समझौता किस चीज का करेगा? हाँ तो मैं उसको बोली कि मेरे को 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैंने 5 लाख रुपए के लिए बोला, मेरे को 5 रुपए नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए मेरे को, हम कमा खा रहे हैं हमारे लाइफ में सही है। बोले भटकेगी फिर ऐसे ही, तेरे सारे सबूत को मिटा दिया जाएगा कोर्ट में मजिस्ट्रेट मैडम क्या करेगी? ये बातें थाने वाले वो बागरोटा के जो इंचार्ज है मोहनलाल मीना वो खुद बोला था। उस लड़के का नाम क्या है? उसका नाम रोहितास मीना है, उसका बाप का नाम राम अवतार मीना है, तीन भाई है ये। इसको जेल भी हुई, 7-8 महीने जेल में भी रह के अब बाहर आ गया है। अब बाहर आने के बाद फिर से वही ड्रामा इसका। अब क्या कह रहा है वो?
जहाँ रोड पे देखता है वहीं पे धमकिया, कमरे पे आएगी नहीं। अभी संडे को परसों दिन मिला था चोमू पुलिया पे, मैं वहाँ खड़ी थी गाड़ी के लिए। दर्ज नहीं है फिर उसके बाद में धमकिया? हाँ। ये वो पुलिस, आप कह रहे हो कि पुलिस वाला कह रहा है 5 लाख में सेटलमेंट कर लो, तो किस बात के? जब FIR लॉज नहीं हुई तो फिर वो किस बात का? नहीं तो हमने कोर्ट से कराया था ना, फिर तगासा किया था कोर्ट से, फिर वकील करके कराया। जब ये फिर सारे लोग हमारे फिर छानबीन में लगे थे, पहले सुनवाई नहीं किए थे, जब कोर्ट से फाइल आई थी ना, जब ये लोग फिर दौड़ धूप में लगे थे, जब उसको पकड़ के लाए। अभी मुकदमा की कोर्ट में चल रहा है आपका? चल रही है अभी। पुलिस क्या कह रही है अभी आपको? पुलिस हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं कह रही है। उसको गिरफ्तार किए थे तो पुलिस बोला हमारे को कि हमारा मनीष आया है, जो वहाँ के मनीष कुमार आया, उसके पास ही फाइल थी, तो बोला कि मोबाइल उसके जब्त कर लिए हैं और कोर्ट में पेश कर देंगे। पर कोर्ट में तारीख पे मैडम बोली कि हमारे पास कोई मोबाइल नहीं आया है, मोबाइल उसके पास ही है, क्योंकि उसी नंबर से मेरे पास है जब फ़ोन आ रहा है और वही नंबर उसका चल रहा है। धमकी दे रहा आपको फोन पर? फोन पर कोई धमकी दी आपको? नहीं, अभी जेल से आने के बाद में तो फ़ोन करके मेरे को धमकी नहीं दिया है। वो तो ऐसे जैसे रोड पर मिलता है, वो तो रोज़ ही चलता है इसी रोड पर, और हमें भी चलना ही है, तो जैसे कहीं मेरे को मिल जाए ना, वही गाड़ी खड़ा करके और वही शुरू हो जाते। अभी क्या चाहते हैं मतलब? मैं ये चाहती हूँ देखो मीडिया से कि हमको इस चीज़ के लिए सहयोग चाहिए और उसकी गिरफ्तारी हो। उसके घर वाले हैं, हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी भर भर के हमारे घर पे आ जाएं, पूरे सोसाइटी में पूछताछ करे। मारने की धमकी दी? मारपीट के ही तो गए वो। जान से खत्म करने की धमकी दी? जान से खत्म करने की धमकी कहाँ से वो देंगे, अपने से तो मार के पटक आए थे मेरे को। आपको बोलना है हमारे, उनकी ये बातें हैं जैसे कि भाई कहीं तू मिल जाएगी तो तेरे को मार देंगे हम। अभी परसों दिन संडे को वो मिला था तो दूसरे का मेरे सामने, मैं वहीं खड़ी हूँ गाड़ी के इंतजार कर रही थी, और दूसरा ड्राइवर को बोल रहा है कि इसकी माचो देंगे सीधे ऐसे वहाँ पे। अब चौराहे पे हम क्या बोले? उसका भाई है तो बोलता है हमारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है, जो कि वो बच्चे मारपीट के दौरान में बच्चे भी खराब कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि मेन सबूत बच्चा बनेगा। मारपीट हमारे साथ है सिवान मोड़ पे, वहाँ हाटवाड़ा मंडी लगती है, शुक्रवार के दिन लगती है वहाँ पे। घर पर? नहीं नहीं, हमारे घर से मतलब आगे लगती है बाजार। वो वहाँ कैसे पहुँचे? सब्जी लेने जाते हैं हम हर हफ्ते, मतलब वो लगती है हाटवाड़ा मार्केट, तो उसमें से हम सब्जी लाते हैं, तो वो सब्जी लेने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। उसको कैसे पता आप सब्जी लेने गए? पता नहीं, ये चीज का तो हमको भी पता नहीं है कि उसको कैसे पता लगा। पुलिस वाले को सारी चीज़ें के सारी सबूत उनको मैं दी, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि सारे सबूत मिटा देंगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं? हाँ। कौन बोला? बागरोटा थाने के मोहनलाल मीना बोला, मनीष आया है वो बोला, और भी है वहाँ पे सिपाही लोग, जो सारे लोग दौड़ दौड़ के, कम से कम 1 साल तो दौड़ी हूँ मैं जब जाके उसको पकड़ कर लाए हैं, वो भी ऊपर से जब उनके ऊपर दबाव बनी है जब। तो अभी मामला केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है आपका? कोर्ट में चल रहा है। अब वो हमारे खिलाफ FIR दर्ज कराया है, मारपीट करके तो वो लोग गए। आपके खिलाफ कहाँ दर्ज कर रहे हैं? सुनने में आ रहा है वहाँ ये लाल कोठी किधर है उधर, मतलब वहाँ पे कराया है। वहाँ पे कौन से थाना है ये तो मेरे को पता नहीं है, वहाँ से फोन आया था। क्या बोले? भाई आप थाने पे आओ, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाए हैं। किसने लिखाई? वही लिखाया है, ऐसे बोला था थाने वाला कि वही लोग ने लिखाया है। तो बोले ठीक है आएंगे। बोले किसी को साथ में लेकर आना। मैं किस तो साथ में लेके जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। बच्चा आपके साथ ही रहता है आपका? बच्चा तो मेरे पास भी रहता है, वो बाप के साथ भी रहता है। तो अभी आप अपने पति के साथ रहते हो या अलग रहते हो? नहीं, हम रहते तो एक ही मकान में है, पर अपन रहते हैं जैसे दुनिया की नज़र में तो हम साथ ही हैं, पर ये तो साथ उसके 4 साल पहले ही ये सारे बखेर के रख दिए। ये मामला कितना पुराना है? ये हो गई 3-4 साल तो हो गई।
चलते हुए पहले से पति से आप दूर रह रहे थे या पति के साथ ही रह रहे थे? पति के साथ ही हम रह रहे थे। लॉकडाउन जब लगी थी तो लॉकडाउन के पहले से ही जैसे हमारा काम पे आना जाना इसको जान पहचान थी हमारे भाई गाड़ी चलाता है। अब जान पहचान के मतलब तो ऐसे भी नहीं थी कि भाई हम उसको जा रहे हैं तो उसको किराए नहीं दे रहे हैं या ऐसे कुछ बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ उतर रहे वहाँ रुपए देकर और चल जाते थे, यही पहचान थी अपना, इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। ठीक, आपका नाम क्या? मेरा नाम सपना देवी है। बोले क्या आपके साथ क्या क्या परेशानी आ रही है उसके बाद? उसके बाद में वो जब से बाहर आया है तब से धमकी, जहाँ देखता है वहाँ टोचरबाजी, वो आपसे मिलने के वही फिर वीडियो वायरल करने की धमकियाँ। थाने वाले बोलते हैं कि उसके पास मोबाइल नहीं है, पर उसके पास मोबाइल है, वही नंबर है और वही मोबाइल है। मैं तो थाने वाले से यही बोलूँगी हाथ जोड़ के कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और उसकी गिरफ्तारी हो और उसकी सजा हो। इसके अलावा जो आपने पैसे दिए वो कैसे दिए उसको? पैसे मैंने उसको हमारे जमीन दिए थे, हम हमारा मकान था जो किस्तों में लिए थे, उसकी किस्त चल रही थी, ये बीच में पैसे के डाल दिया, ऐसे अड़गुड़िया जो हमें मजबूरी में मकान को रोकना पड़ा, उतने पे ही रोक के हम पैसे वहाँ से उठा कर दे दिए उसको। कितने पैसे देना दिए आपने उसको? उसको मैंने एक बार 3.5 लाख रुपये दे दिए, एक 1.5 ले गया। वो दोनों को चेक मेरे को देकर गया था पर उस पर साइन नहीं करके गया। तो आपने चेक ऐसे कैसे ले लिया? मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, मेरे इतना दिमाग नहीं है कि चेक पे साइन भी होता है। बोला मेरा चेक है, इसको कहीं भी दिखाएगा तो भाई हम फंस जाएंगे, पैसे नहीं देंगे तो। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा बार बार अपना बुला बुला कर शोषण करता रहा, जबरदस्ती शोषण करता रहा। कोर्ट में बोलता है कि इसको प्यार करता हूँ मैं, यही प्यार होता है, चीटिंग बाजी। तो अभी क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई, मीडिया द्वारा हम यही संदेश अपना पहुंचा रहे हैं कि भाई थाने वाले हमारे सहयोग करें और उसको गिरफ्तारी करें और उसकी सजा करें बस, क्योंकि हमें पैसे लेकर समझौता नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए पैसे। उसके घर वाले बोलते हैं कि भाई जो डिमांड है वो डिमांड रखो, गाड़ियाँ भर भर के घर पे आते हैं, मार लड़ाई झगड़ा सब हुआ, बच्चा हमारा खराब हो गया मार झगड़े में, दो दो बार हमारा अबॉर्शन करवा दिया, कहीं के लायक हमें नहीं छोड़ा ये, इसलिए इसकी सजा हो, जब ये हमारे तसल्ली होगी बस थाने वाले से यही हम बोलेंगे हाथ जोड़ के उसको सजा हो। आपने कोई कंप्लेंट कराई थी कभी इसके लिए? कंप्लेन कराई थी मैं, एक बार नहीं कितनी बार करवाई मैं थाने पे, पर कोई सुनवाई नहीं होती थाने की तरफ से। रिपोर्ट करा के आ जाती हूँ पर कोई उसकी सोचना नहीं आती हमारे पास। कोर्ट में केस चला था तो वहाँ पे बोल दिया मेरे को कि भाई जेल में हमारे से जेल में मिलने के लिए गया था। जेल में हम मिलने के लिए क्यों गए थे उस टाइम के भी हमारे पास में रिकॉर्डिंग पड़ी है, क्योंकि हम आज तक जेल जाने ही नहीं कि जेल है कहाँ। उसका भाई उसकी माँ मेरे को ज़बरदस्ती लेकर गए कि भाई चल, वो समझौता करने के लिए तैयार हो रहे थे एक बार उसके सुन चल के, वो लोग लेकर गए तो उसके लिए हमारे ऊपर रिपोर्ट करा दिया कि भाई जेल में मिलने आई थी, स्वयं चल कर तो नहीं गई थी ना मैं। जब पूरी मेरी लाइफ बिगड़ गई तो मैं तो वही कर रही हूँ ना भाई, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, आदमी से भी दूर और तेरे से भी दूर, भला तेरे से कोई रिश्ता तो था नहीं अपना, लेकिन फिर ही मेरी पूरी जिंदगी चौपट करके रख दिया सिर्फ पैसे देने के कारण। आज के डेट में कोई विश्वास नहीं करेगा ना किसी को पैसे देगा।